पानीपत में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि लघु सचिवालय पानीपत में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने उपायुक्त के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में छात्रों द्वारा कहा गया कि कोरोना काल में परीक्षाएं ऑनलाइन ही होनी चाहिए, लगातार कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अगर ऑफलाइन परीक्षा होगी तो छात्र कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। छात्रों ने चेताते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। छात्र छात्राओं ने कहा कि आज पूरा विश्व, देश व प्रदेश भयानक दौर से गुजर रहा है। विश्व में इस प्रकार का संकट न जाने कितने लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। अब उम्मीद की एक किरण लगी है कि टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, परंतु अब भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। कहीं कोई छात्र इसकी चपेट में ना आ जाए, इसलिए पिछले स्तर की तर्ज पर छात्रों को ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का विकल्प दिया जाए, ताकि छात्रों को आने वाली परीक्षाओं को लेकर आसानी हो और बीमारी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अगर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा जल्द ही इस पर फैसला नहीं लिया गया तो वह प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। बताते चले कि छात्र छात्राओं ने पानीपत उपायुक्त के माध्यम से कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नाम ज्ञापन भी सौंपा। हम यहाँ सिर्फ अपनी ऑनलाइन एग्जाम के लिए आए हैं। अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं तो हमारे ऑफलाइन पेपर क्यों लिए जा रहे हैं? अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, कोरोना उसको कुछ हो जाए, फिर कौन जिम्मेवारी लेगा कि हमारे क्यों ऑफलाइन क्यों क्लासेस नहीं लगी तो ऑफलाइन क्यों परीक्षा ले रहे हैं? ये थोड़ी कोई बात होती है, ऐसे मानते ही नहीं हम कर रहे हैं कुछ, इसीलिए हमारे ऑनलाइन हो जाए। कहीं कोई पेरेंट्स, कहीं दूसरे दिल्ली से बच्चे आते हैं, हमारी क्लासेस में भी कुछ अभी तक नहीं आ पाए, कुछ जाट ये आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, इसके चलते हमारे क्लास में कोई भी नहीं आ पा रहा है। गिनती की अगर कोई क्लास को आप जब कॉलेजेस में जाके देखिए, सिर्फ 2 या 3 बच्चे हैं, ये क्यों? अगर सरकार नहीं मानती ऑफलाइन पेपर करवाती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी छात्रों की? हम एग्जाम देंगे, ऑनलाइन ही देंगे, अगर नहीं होगे तो हम नहीं देंगे। सबसे ज्यादा कॉलेजों का मोबाइल आ रहा है। कैंपस की जो परीक्षाएं हुई हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, वो जो परीक्षाएं हैं इन्होंने ऑनलाइन ले ली अपने कैंपस की, और जो हरियाणा भर के 300 कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो इन्होंने ऑफलाइन थोप दी। ऑफलाइन होने के बाद जो पूरे 22 के 22 जिलों में जो कॉलेज हैं सभी छात्र आक्रोश में हैं, और सभी प्रत्येक जिले में आज जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। करनाल के अंदर हमारी अनुसुई जो है भूख हड़ताल पर बैठी है। आज समस्त छात्र पानीपत के बहुत कम संख्या में बोलूँगा मैं तो बहुत कम संख्या में पहुँचे हैं, लेकिन 3 या 4 दिन के अंदर अगर वो ऑनलाइन के लिए नोटिस नहीं आया तो तीनों कॉलेजों के जो छात्र नेता है और समस्त छात्र इकट्ठे होकर और प्रशासन को जो है दिखाएंगे कि छात्र क्या। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.